यहां से आपको वन वन कंप्लीट साइकिल का हिसाब समझ में आया। वन कंप्लीट साइकिल क्या है, जनरेटर की बात माइंड में रखेंगे, जनरेटर पूरा एसी पढ़ते हुए हम रखेंगे माइंड में अपने, क्या जनरेटर, जनरेटर की कॉइल घूम रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस में जितना टाइम लगा, देखना ध्यान से आप, इस प्रोसेस में जितना टाइम लगा ये वन कंप्लीट साइकिल है। और इस प्रोसेस में, इस वन कंप्लीट साइकिल के दौरान क्या क्या हुआ कि ईएमएफ जीरो से बढ़कर मैक्सिमम हुआ, फिर जीरो हुआ, फिर नेगेटिव मैक्सिमम हुआ और फिर वापस जीरो हो गया। टाइम चेंज हुआ कहां से आया था, जीरो से लेकर वन कंप्लीट टाइम पीरियड तक चेंज हो गया। ठीक है, ये हुआ आपका वन साइकिल ऑफ एसी। वन साइकिल ऑफ एसी का मतलब वो टाइम, वो एक बार फिर से थोड़ा सा वर्ड और बता दूं, वन साइकिल ऑफ एसी का मतलब है ईएमएफ का जीरो से पॉजिटिव पीक वैल्यू तक बढ़ना, फिर घटकर जीरो आना और नेगेटिव पीक तक मैक्सिमम तक पहुंचना और फिर घटकर जीरो होना। ये पूरा प्रोसेस कहलाता वन कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी। फिर से समझिए ध्यान से, ईएमएफ का, ईएमएफ कौन सा है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है कॉइल के सिरों पर, जो कॉइल घूम रही है जनरेटर में मैग्नेटिक फील्ड में, उस कॉइल के सिरों पर इंड्यूस्ड ईएमएफ का जीरो से पीक वैल्यू तक, अपनी पीक वैल्यू तक, वॉट एवर बी द पीक वैल्यू, उस पीक वैल्यू तक बढ़ना, घटकर जीरो होना, जीरो से फिर वापस अपोजिट डायरेक्शन में बढ़कर मैक्सिमम तक पहुंचना और फिर जीरो होना, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है वन कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी। अगर आपको सिर्फ यहां से यहां तक लेना पड़ा तो क्या कहोगे, हाफ साइकिल ऑफ एसी, दिस इज हाफ साइकिल ऑफ एसी। हाफ साइकिल ऑफ एसी में भी पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी और ये वाला क्या है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी। समझ आई बात, वन कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी, वर्ड बोलेंगे हम साइकिल और यहाँ साइकिल का पहिया भी ना दिखाई देने का आपको कहीं पे, कभी साइकिल माइंड में लेने लगो, माइंड में क्या रखना, ये कॉयल जो घूम रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वन कंप्लीट हाफ साइकिल ऑफ एसी, ये वाला पार्ट हाफ साइकिल ऑफ एसी, पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ ऑफ एसी। साइकिल भी नहीं यूज करते हम, हाफ लगा देते हैं, पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी, नेगेटिव हाफ ऑफ एसी, वन साइकिल ऑफ एसी। ठीक है, अब इसकी मैथमेटिक्स की बात,